ये शॉर्ली स्पार्क गाड़ी है। तो आज हम इसका हेड मतलब गैस्किट गया था, जो ऑयल पानी है तो ऑयल की स्टिक निकाली तो वाइट वाइट सब मतलब हो चुका था, मतलब पानी और ऑयल मिक्स हो चुका था। हम इसका फिर गैस्किट खोले हैं, तो अभी हम इसका गैस्किट बिठाएंगे। तो फुल प्रोसेस देखिए गैस्किट कैसे बिठाते हैं और क्या चीज़ें होती है, तो आपको देखना है मतलब कैसे करते हैं, तो लास्ट तक ज़रूर से देखना। हमने इसका जो हेड ख़राब हो चुका था तो इसका हेड नया डाला है, तो ये रहा नया हेड आया, मतलब सेकेंड हैंड है, तो ये हेड ख़राब हो चुका है, जो भी है ये हेड ख़राब हो चुका है, तो नया हेड आ चुका है। अभी हेड का फिटिंग होगा। अभी हेड अच्छी कंडीशन में आया है, देख सकते हो आप लोग, फेसिंग करके वॉल जो वॉल्स होते हैं वो सभी चेक करके आए हुए हैं। अभी इसको वॉशिंग करेंगे अच्छी तरीके से। तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, जो इसका मेन जो काम हुआ था ना, देख सकते हैं आप लोग, जो वाइट वाइट हुआ है ना, ये जो पानी में ऑयल और ऑयल में पानी, देख सकते हैं आप लोग, वाइट वाइट सा जो तार तार पुल वगैरह है, तो ये मेन चीज़ था, क्योंकि ऑयल और पानी मिक्स होने की वजह से, देख इसका कारण ये है, इसका गैसकेट मतलब गया था इसलिए ऑयल पानी मिक्स हुआ था। अभी इसका हम जो हेड की मतलब फेसिंग करके आ चुके हैं, अभी ब्लॉक की जो है नॉर्मल पॉलिश पेपर मार के उसमें स्मूथ कर लेंगे, क्योंकि इसमें कार्बन आ जाता है ना, तो इसी वजह से गैसकेट का लीक करने का चांस रहता है, तो इसी वजह से थोड़ा सा पॉलिश पेपर मार के अच्छे से मतलब थोड़ा सा फेसिंग जैसा करना पड़ता है नॉर्मल सा, तो वो करेंगे हम लोग, कार्बन सा निकालेंगे। हेड धोने के लिए जाएगा और हेड धो के आएगा, फिर हम हेड फिटिंग करके गैसकेट लगाएंगे। ये है चुना गैसकेट, और अभी नया गैसकेट डाल के हमने हेड बीटा लिया, और ये 14 के बोल्ट होते हैं जो टाइट मार रहे हैं, 14 के जो 10 बोल्ट होते हैं वो टाइट मार के अभी आगे वाला फिटिंग करेंगे। अभी वाटर पम्प की पैक है, वाटर पम्प नया डाल रहे हैं हम लोग, और जो अपना थर्मास्टेट बॉडी और कैम सेंसर होता है ना, उसका जो पैकिंग है वो डाल के अभी इधर बिठाएंगे, और वाटर पम्प बिठाएंगे इधर को, ठीक है। वाटर पम्प भी आपको देखेंगे, और उसका आपको टैप सेटिंग और इसका टाइमिंग दोनों दिखाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। बट गैस की ट्रक के इसके ऊपर हेड रखा और 14 के बोल्ट टाइट मार दिया, इतना प्रोसेस है। अभी हेड क्लीन हो चुका है अच्छी तरीके से, देखें अभी इसका सेटिंग करना पड़ेगा। इसके पूरे 10 के 10 बोल्ट कस दिए हमने, वो इसका जो कैम का ऑयल सील है वो भी रह चुका है, तो हमने कैम की फुलाई लगाई और टाइमिंग ले लिया है, तो आपको टाइमिंग बताता हमें कैसा टाइमिंग होता है। तो टाइमिंग के लिए आप लोगों को जो ऊपर खाच दिख रहा है, जो ऊपर उनको एक मिनट फोकस होने दो, ये खाचा इसके ऊपर ऐसा मैच होना चाहिए इधर से, समझ गए आप लोग, फोकस होने में टाइम लगता है। ये कैम का ये खाचा ऊपर वाले खाचे में मैच होना चाहिए, और नीचे वाला जो होता है वो आप लोगों को दिखा दूँ मैं, नीचे वाला जो होता है जो इधर कैरेक्टर होता है, जो ये पॉइंट है सीधा ऊपर होना चाहिए, इसके अंदर मार्का होता है, जो बेल्ट है आप देख ही सकते हो, उधर बेल्ट है, बेल्ट के इस पे मार्का होता है एक, टाइमिंग बेल्ट हो चुका है। अब टाइमिंग बेल्ट का जो कवर होते हैं वो लगा देंगे, ठीक है। कवर होने के बाद में हम इसका टैपेट सेटिंग करेंगे, जो इसके ऊपर मार्का होता है आप लोगों को दिखा दूँ, जो ये पिन होता है, फिर गया इस पे जो ये मार्का होता है, इस पे 0 पे लेके टैपेट सेटिंग करना पड़ता है,
अभी इसका टाइमिंग कवर भी लगा दिया, फैन की पुली भी लगा दी। अभी इसका जो टेम्परेचर बॉडी या कैम सेंसर का जो बॉडी बोलते हैं उसको, जो वो लगा दिया। तो हम इसके अभी ये टाइट मारेंगे और अगले आगे का फिटिंग आपको दिखाएंगे। टैप सेटिंग अभी करना पड़ेगा इसको, कि पूरा सब ढीला हो चुका है, आ चुका है, फिशिंग करने को दिया। टैप सेटिंग अच्छे से करेंगे। पहले तो हमने जो टाइमिंग होता है वो टी डी सी पोजिशन में लिया, जो अपना जो एम ए होता है आप लोगों को दिखा होगा, इधर एक खाँचा है अंदर की साइड, वो जीरो पे लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद में वो टाइमिंग के, फिर इसका टैपेट सेटिंग करना है। अपना जो 0.7 का गेज होता है तो उसको चूज़ करके ऐसा डालेंगे, ठीक है। और फिर इसको स्क्रू ड्राइवर होता है उसके, पहले तो इसका 12 का नट होता है वो ढीला करेंगे, फिर उसमें टैपेट गेज लगा के उसको ढीला करके थोड़ा सा टाइट मारेंगे और उसके हिला के देखेंगे घुस रहा है या नहीं। तो ऐसा सेटिंग होता है इसका। तो ऐसा करने के बाद में वो टाइट कर देंगे फिर से। तो पहले सेटिंग पे क्या करना है, जो टी डी सी पोजिशन है तो उस पर एक और तीन एग्जॉस्ट का और मैनिफोल्ड का जो होता है वो एक और दो, ये करने का। और दूसरा फिर से एक राउंड घुमाने का, फिर दूसरे बार में जो तीन नंबर दो नंबर इनटेक जो अपना क्या बोलते हैं इसको, मैनिफोल्ड होता है ना, तो उसका तीन नंबर और चार नंबर का और दो नंबर और चार नंबर का, इनका सेटिंग बाद में करना है। तो सिंपल वे में टैपेट सेटिंग आपको सिखाता था मैं। तो आप लोगों को क्या करना पता है, अपना जो टाइमिंग होता है ना तो टी डी सी पोजिशन पर ले लेना का, ठीक है अपना जो। तो उसके बाद में एक पहली बार एक नंबर जो एग्जॉस्ट और तीन नंबर एग्जॉस्ट उसको टैपेट में लाने का, और उसके से 0.7 का गेज लगाने का, और जो मैनिफोल्ड होता है तो उसका जो फर्स्ट और सेकंड दोनों करने का, और फिर से एक राउंड घुमा के टाइमिंग पे लेने का। और फिर बाद में ये जो दो नंबर और चार नंबर जो एग्जस्ट होता है उसका दो नंबर और चार नंबर और इसका तीन नंबर और चार नंबर, ये सेटिंग में लाने का। बस यही सेटिंग होता है इसमें, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। मतलब मिलाने के लिए आपको ये बोल्ट 12 का बोल्ट ढीला करके थोड़ा सा, मतलब टैपेज गेट डाल के थोड़ा ढीला टाइट करना पड़ता है, ज़्यादा भी नहीं टाइट करना होता है, जो गेज हाई ले इतना टाइट होना चाहिए, इसी टैपेज सेटिंग होता है। अभी हम इसका टाइमिंग कवर लगा देंगे और इसके बाद मैनिफोल्ड और एग्जॉस्ट लगा देंगे, बस इतना ही बाकी फिटिंग रहेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं रहा। मेन फिटिंग अभी हो चुका है। अभी हमने एग्जॉस्ट बिठा लिया, एग्जॉस्ट बिठा के उसके 12 के बोल्ट टाइट मार दिए। अभी जो टैपेट कवर है उसको क्लीन करके अभी न्यू पैकिंग डाल के अभी बिठा रहे हैं। टैपेट कवर पैकिंग अभी बिठाएंगे, मतलब बिठा दिए अभी टैपेट कवर बिठाएंगे। अभी इसका सब सेटिंग विकेटिंग हो चुका है बढ़िया तरीके से, बस अभी इसका बस बाकी का फिटिंग करके गाड़ी स्टार्टर मारना है। तो अभी टैपेट कवर बिठाएंगे, अभी मैनिफोल्ड फिटिंग करेंगे। तो हमने उसका भी जो थ्रोटल बॉडी होता है वो क्लीनिंग किया है। अभी उसका जो अभी बिठाएंगे उसको, हमने जो कॉइल होती है वो बिठाई है, जो इसमें सब मार्का होता है ये जाती है दो नंबर और तीन नंबर को, मतलब दो नंबर और तीन नंबर को, और ये जाती है एक नंबर और चार नंबर को, एक नंबर और चार नंबर को, ये सॉकेट लगता है उसमें। अभी मैनिफोल्ड फिटिंग हो चुका है। अभी जो इसका पेट्रोल का पाइप लगा दिया और ऊपर वाला एयर वाला पाइप लगा दिया, अपना टैपेट कवर में जो मैनिफोल्ड में जाता है वो पाइप लगा दिया, ये एयर फिल्टर में लगेगा। बाकी का फिटिंग कूलेंट का पाइप और ला लगेंगे। अभी गाड़ी का फिटिंग पूरा हो चुका है और गाड़ी बढ़िया तरीके से हो चुकी है। तो गाड़ी चालू करके हमने कस्टमर को दे दिया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।